गई है और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। यहाँ आपको बताएं कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में विजय चौक पर कांग्रेस सांसदों का ये प्रदर्शन किया जा रहा है, राहुल गांधी भी वहां मौजूद है। पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक ज्वलनशील मुद्दा कांग्रेस को मिल गया है, महंगाई का। यहाँ आपको बताएं कि देश में 10 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं विजय चौक की, जहां राहुल गांधी भी प्रदर्शन में बैठे हैं और यहां लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं, पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा।